मातृभाषा बताइए। ये चुनौती थी वहां, और भगवान की कृपा से जितनी भाषा वो बोलते थे वो सब ऐसा लगता था कि उनकी मातृभाषा। दिन भर ये चला लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया, कोई बता नहीं पाया कि इनकी मातृभाषा क्या है। तो राजा ने अपने महामंत्री से कहा कि भाई क्या करना। बोले महाराज अब कल इस पर अपन फैसला करेंगे, आज इनको आराम करेंगे। उनको सम्मान के साथ रुकवाया गया, भोजन और सारी व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, दरबार लगा तो फिर वो आए, उनका प्रश्न तो जीवित था, मेरी मातृभाषा बताइए। तो राजा ने महामंत्री से पूछा कि क्या भाई अब इनकी मातृभाषा कैसे बताएंगे। तो उसने खड़ा हुआ और बता दिया कि इनकी मातृभाषा ये है। उसने कहा कि हाँ यही है। तो राजन क्या हुआ क्या, रात में दिन भर जब ये बोलता रहा तब तो पता नहीं चला, ये रात में कैसे पता चला। तो महामंत्री ने रहस्य उसका कि साहब मैंने रात को ये किया कि रात को जब ये सो रहे थे एक ठंडा घड़ा पानी का पूरा इनके ऊपर डाल दिया, उस समय जो इनकी बात जिस बोली में ये बोले वही इनकी मातृभाषा। तो मातृभाषा का संबंध व्यक्ति की आत्मा से होता है, वो इसलिए समझने का काम मातृभाषा में ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए आपको भी बधाई देता हूँ, अमेरिका से आए हो, फिर आपका परिवार ही जो है वो इस बात का पोषक है। आपको बहुत बहुत बधाई। पिता